अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनरील इंजन 5 बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप वेक्टर को देखा था, उसको डिलीट कर दिया, एंड उसके बेसिक के वैल्यू कैसे सेट करती हैं और उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरह से करती हैं, तीन सारी चीज़ों को हमने देखा था। इस वीडियो में हम हमारा करैक्टर जो है ये वाला, यानी कि ये थर्ड पर्सन करैक्टर, अगर हम शिफ्ट और F1 को प्रेस करेंगे तो ये माउस हमारा आ जाता है। इसकी वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई लोकेशन, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं इस टाइम इस वर्ल्ड के अंदर, सबकी कोई ना कोई लोकेशन है इस वर्ल्ड के अंदर। तो वो क्या लोकेशन है इस करैक्टर की, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर, तो ताकि हमें वेक्टर को यूज़ करना आ जाए। जो ओरिजिन होता है, यानी कि जो वर्ल्ड है, अगर मैं इसको बंद करूं, ये जो वर्ल्ड है ये सारा, इसका एक ओरिजिन है। ओरिजिन से मुराद सेंटर पॉइंट, जहां से स्टार्ट होता है। अगर मैं इस तरह से पर्सपेक्टिव में जाके टॉप में जाऊं, ये मैं टॉप में जा रहा हूं, ठीक है, ये मैं और टॉप, ये देखो ये हमारा टोटल वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड का एक ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। तो जो भी चीज़, जो भी करैक्टर, जो भी एक्टर, कोई भी मैश, एनीथिंग, जो भी हमारी पड़ी होगी कहीं पे भी, जिस तरह ये है, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर होता है। यानी कि अगर ये 2200x लिखा है, तो यानी कि जो x है, जो हमारा ओरिजिन है इस वर्ल्ड का, उस ओरिजिन से 2200 के डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट, ये जो भी मैश है, ये प्लेस हुआ है ऑन एक्स एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब आप देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जेड एक्सिस ज़ीरो पे हैं, यानी कि ये हमारा जेड एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस हमारा ज़ीरो है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें एक्स एक्सिस, सॉरी वाई जेड पे ज़ीरो पे पड़ी हैं। मैं ग्रिड आपको दिखाता हूँ, ये शो पे जाके आपने ग्रिड पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये देखो, अगर आपको, मे बी, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक बॉक्स से नज़र आ रही है, ये ग्रिड नज़र आ रहा है। तो इस, ये जो ग्रिड है, ये ओरिजिन पॉइंट है जेड एक्सिस पे, यानी कि ज़ीरो है इसकी पोजिशन, लोकेशन। इससे ऊपर पॉजिटिव एक्स है, यानी कि ये आसमान की तरफ पॉजिटिव एक्स है, और इससे नीचे की तरफ नेगेटिव, सॉरी, इससे ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड है आसमान की तरफ, और नीचे की तरफ नेगेटिव जेड है। तो हमारी ये जो चीज़ें पड़ी हैं, ये जो सारे फ्लोर वगैरह हैं, ये जेड के ऊपर पड़ी हैं। ये देखो, जिस तरह ये वाला हमारा पड़ा हुआ एक पोर्शन, ये देखो जेड पे इसकी पोजिशन ज़ीरो है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिन ग्रिड के ऊपर पड़ा हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो ये देखो, ये अब इतने पॉइंट्स जो है डिस्टेंस ऊपर है जेड से। अगर मैं इसको नीचे कर दूँ, ये देखो नीचे चला गया, अब ये नेगेटिव में है। तो हमारा ओरिजिन, यानी कि जो हमारा जेड का ओरिजिन है, यानी कि बेस लाइन है, वो ये है। इसी तरह जेड एक्स का भी है, और अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं, और इसको भी ज़ीरो कर दूं, और इसको भी ज़ीरो कर दूं, तो ये कहाँ पे, ये नहीं, ये यहाँ पे, ये हमारे वर्ल्ड का, ये देखो, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये ज़ीरो 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 के ऊपर है, यानी कि यहाँ से इस तरह। तो हमारी ये जो वर्ल्ड है सारा, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये है, एक्स वाई जी तीनों यहाँ पे ज़ीरो हैं। अब ये जो है यहाँ से इस डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये जो चीज़ है ये यहाँ से इस इतने डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई है। इसी तरह ये जो वॉल है, ये इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस के ऊपर है। तो बताने का मकसद ये है कि इस अनरियल इंजन में हम एक्स वाई जी को तो यूज़ करेंगे, यानी कि वेक्टर को यूज़ करेंगे, बट उसकी जो लोकेशन पोजीशन है वो कहाँ से मेजर हो रही है, तो वो ओरिजिन से मेजर हो रही है। तो हम वापस आते हैं, प्ले करते हैं। हमारा ये करैक्टर डेफिनेटली, अगर हम इसको शिफ्ट F1 को दबा के ऊपर आएँ, सॉरी, शिफ्ट प्लस, और इसको इजेक्ट करें, और यहाँ से ऊपर हैं। अब जब हम इस
करेक्टर की पोजीशन यानी कि लोकेशन को देखेंगे कि वो कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन पोजीशन इस ओरिजिन से कैलकुलेट होके हमें बताएंगे, अनरियल इंजन बताएगा कि इस वक्त ये करेक्टर किस जगह पे खड़ा है वर्ल्ड के अंदर। ओके सो हम ये कैसे करेंगे, अगेन हम इसी को वी को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमें किसकी लोकेशन चाहिए, हमारे करेक्टर की। ये क्या है, एक एक्टर है, करेक्टर क्लास है। इस पे अगर हम राइट क्लिक करें और लिखें गेट एक्टर वर्ल्ड, गेट एक्टर सॉरी लोकेशन, ये देखो गेट एक्टर लोकेशन ये आ गई। टारगेट में ये इनपुट में ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो हम जिस एक्टर का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देंगे ये उसकी लोकेशन बताएगा। अभी हमें किसकी चाहिए, अपने थर्ड पर्सन करेक्टर की। हम ये थर्ड पर्सन करेक्टर के अंदर ही हैं तो ये सेल्फ है, यानी कि ये अपनी ही लोकेशन बताएगा। तो अगेन प्रिंट स्ट्रिंग एंड यहाँ से हम इसको यहाँ पे कर देते हैं सिंपल इज दैट। अब ये हमारा जो एक्टर है यानी कि ये जो करेक्टर है हमारा, ठीक है, इसकी लोकेशन हमें बता देगा जब हम वी को प्रेस करेंगे। फॉर बेटर विजिबिलिटी हम इसको रेड कर देते हैं। चलो देखते हैं अभी। अब आप देखो मैं वी दबा रहा हूँ, वो देखो ये 900 1110 और Z92, यहाँ पे हमारा करेक्टर जो है प्लेस है। अब आप ये वैल्यू देखो ये क्या आ रही है। अब मैं करेक्टर को मूव करता हूँ, आपने फिर देखना कि वैल्यू क्या आएगी। ये मैं यहाँ पे मूव करके चला जाता हूँ। अब वी दबा रहा हूँ, देखो वो वैल्यू चेंज हो गई है कितनी, ठीक है। अब मैं इस ओरिजिन के बिल्कुल करीब आ जाता हूँ, ये हमारा ओरिजिन था ना हमने देखा था, वो देखो कितनी थोड़ी वैल्यू आ रही है, 140 135। और जितना मैं दूर जा रहा हूँ या इस तरह से या जिस तरह भी, वो वैल्यू देखो इंक्रीज होती जा रही है। ये देखो मैं आगे दूर आ रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ और मैं करीब जा रहा हूँ और मैं वी को साथ साथ प्रेस करता जा रहा हूँ, देखो वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। ओके सो अच्छा अब हम क्या कर रहे थे, एक और नोड। अब हम सिर्फ वेक्टर को नहीं लर्न करें, बाकी अनरियल इंजन के अंदर जो नोड्स हैं अब हम इनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ साथ, कि कौन कौन सी नोड्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। इसी तरह एग्जांपल्स करते जाएंगे, डिफरेंट नोड्स आती जाएंगी, आपने इनको देखते जाना है, इनकी फंक्शनैलिटी को ख़ुद भी प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम बार बार वी को प्रेस कर रहे थे तो हमारा जो लोकेशन थी वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रही थी। अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली मुझे कोई भी की प्रेस ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली ये वाला जो नोड है ये एग्जीक्यूट होती रहे खुद ब खुद, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिसकनेक्ट करूँगा और एक नोड होती है इवेंट टिक के नाम से, ये हमारा एक इवेंट है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये इवेंट टिक क्या होता है कि ये बार 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 एग्जीक्यूट होता है, बार 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 जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होता है, एक एक फ्रेम पर एक दफ़ा। यानी कि अगर आपकी गेम 60 FPS दे रही है, 60 FPS पे चल रही है आपकी गेम, तो ये इवन टिक 1 सेकंड में 60 टाइम्स टिक करेगा। टिक से मुराद फायर अप होगा, यानी कि जो भी इसके आगे लगा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर आपकी गेम 60 FPS फ्रेम पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, स्मूथ गेम प्ले है, तो ये इवेंट एक फ्रेम पे एक दफ़ा चलता है। तो फ्रेम 60 FPS पे कितनी दफ़ा चलेगा, 1 सेकंड में 60 टाइम्स, तो कितना ये फास्ट है। तो अब हमें कोई बटन नहीं प्रेस करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली इस नोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा और ये बैकवर्ड जाके यहाँ से वैल्यू लेती रहेगी। अब हम करेक्टर को फ्रीली जिधर मर्जी मूव करें, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी, ठीक है। अब ये क्यों स्क्रीन मेरी यहाँ से भर गई है, क्योंकि वो बार 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 तेज़ी से एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा अब ये आप देखो वैल्यू चेंज हो रही है जिस तरह मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब Z एक्सिस देखो 92 ही है,
अब मैं अगर जंप मारता हूँ, आप देखना जी एक्सिस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, आपने देख लिया। अब मैं इसके करीब आ जाता हूँ तो छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा। अब अगर आप चाहते हो कि ये इस तरह से ना हो, बल्कि ये एक ही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये बार बार इस तरह से हमें नज़र ना आए, तो उसके लिए आपने जस्ट सिंपली ये जो ड्यूरेशन है, यानी कि एक दफ़ा जब एग्जीक्यूट होगा और जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी, जिसको प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, वो 2 सेकंड तक विजिबल होगी। अब अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो आप देखना। ठीक है, अब वो भी अगेन वो बार बार एग्जीक्यूट तो हो रहा है, लेकिन वो ज़ीरो का मतलब बहुत ही थोड़े टाइम के लिए कि वो रिमूव होता जा रहा है, तो न्यू वैल्यू अपडेट होती जा रही है। ठीक है, तो अब हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि वेक्टर कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि ये वेक्टर ही है। अब मैं इसको, जिस हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसको ब्रेक भी कर सकती हैं, ब्रेक कर दें। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ एक्स की वैल्यू मुझे डिस्प्ले हो, यानी कि कोई भी एक लॉजिक है जिसमें मुझे मैं अपने एक्टर की लोकेशन तो ले रहा हूँ, लेकिन लोकेशन में से मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मैं एक्स वाई जी वाई और जी को यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको स्प्लिट करूँगा। जो वैल्यू मुझे चाहिए वो मैं लेके यहाँ पे अटैच कर दूँगी, या जो भी आपकी आगे लॉजिक है, जो भी आपने करना है उसको। देखो, सिंपल एक ही वैल्यू, एक्स की वैल्यू शो हो रही है, सही है। और अगर मैं जेड की वैल्यू चाहता हूँ, तो जेड को मैंने इधर अटैच कर दिया, जेड की वैल्यू। अब मैं जंप मार रहा हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैं इधर उधर जा रहा हूँ, कोई वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, सिर्फ जी की वैल्यू अपडेट हो रही है। अच्छा, इसके साथ इवन टिक के अंदर, अब जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना कि इवन टिक जो है एक फ्रेम पे एक दफ़ा टिक होता है, टिक से मुराद फायर अप होता है, और 60 फ्रेम पर सेकंड गेम चल रही हो तो 1 सेकंड में 60 टाइम्स टिक होगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इतना फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये 1 सेकंड में एक दफ़ा टिक हो, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, हम ये क्लास डिफ़ॉल्ट्स में आएंगे, आई थिंक क्लास सेटिंग्स, क्लास डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आप लिखो टिक। ठीक है, यहाँ पे टिक इंटरवल लिखा हुआ है, टिक इंटरवल सेकंड्स, ऐसे सेकंड्स। अगर आप इधर 1 लिख दोगे, तो ये जो टिक है ये हर 1 सेकंड के बाद फायर अप होगा। अब हर फ्रेम पे एक दफ़ा नहीं होगा, 1 सेकंड में 60 टाइम्स नहीं होगा, बल्कि 1 सेकंड के बाद होगा। तो यहाँ पे भी हम 2 सेकंड कर देते हैं, ताकि हमें विजिबल हो कि वाकई वो 1 सेकंड के बाद टिक कर भी रहे कि नहीं। वो देखो, बल्कि इसको और विजिबल करते हैं, इसको मैं 10 सेकंड्स कर देता हूँ, ताकि पिछली वैल्यू रिमूव ना हो। ये देखो, हर 1 सेकंड के बाद वो वैल्यू अपडेट हो रही है, हर 1 सेकंड के बाद। ठीक है, हर 1 सेकंड के बाद वैल्यू, ये मैंने जंप मारा था इसलिए वो नई वैल्यू जो है वो चेंज होके आई है। ठीक है, तो इवन टिक भी हो गया। इसके अलावा वीडियो तो हमारी वेक्टर पे है, लेकिन इवन टिक की बात हो रही है, तो इवन टिक ये कि आप इसके आगे बहुत बड़ी लॉजिक, अगर आप इसको यहाँ से, हम इसको ज़ीरो ही कर देते हैं, तो ये हर फ्रेम पर एक दफ़ा टिक होगी। अगर हम इसके आगे बहुत बड़ी हैवी लॉजिक लगाएं और ये हर फ्रेम पर टिक हो, तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस कॉस्टली होगी। तो जब हम अपनी गेम के अंदर लॉजिक बनाएं, तो हम मेक श्योर करें कि इवन टिक को कम से कम यूज़ करें, और अगर करना भी है तो हम टाइमर्स को यूज़ करें। टाइमर्स हम आगे कवर करेंगे, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूरी है वहाँ पे हम यूज़ करें। बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, इससे परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि आपकी एक लॉजिक जिसकी मे बी आपको इस टाइम ज़रूरत नहीं है, इवन टिक की वजह से कंटिन्यूसली टिक होती रहेगी, और हर सेकंड में 60 टाइम्स टिक होगी, तो आप खुद सोचो कि उसका इम्पैक्ट आपकी गेम की परफॉर्मेंस पे कितना ज़्यादा होगा। यही ऑप्टिमाइजेशन है। जब हम गेम्स खेलते हैं, हम कहते हैं कि ये गेम ऑप्टिमाइज नहीं है, ये गेम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों का हमें वो ख्याल रखना पड़ता है ड्यूरिंग आवर डेवलपमेंट, कोडिंग एंड लॉजिक मेकिंग, कि इस तरह की चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। ओके, सो बैक टू आवर मेन टॉपिक।
वेक्टर्स है। तो अभी हम अपने करेक्टर की लोकेशन को हमने नोट किया कि कहाँ पे है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक करेक्टर की लोकेशन है और उसके अंदर मैं उसको एक्स एक्सिस पे, यानी कि इस तरह मेरा करेक्टर है और ये एक्स एक्सिस है हमारा ना, इस ऊपर ये इस साइड पे, मैं इस एक्स एक्सिस पे करेक्टर को आगे 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 मूव करना चाहता हूँ, या वाई एक्सिस पे यूँ लेफ्ट राइट अपने करेक्टर को मूव करना चाहता हूँ, उसको उसकी लोकेशन को चेंज करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगी? वेरी इजी है। जिस तरह हमने इसके अंदर ये एडिशन वाला किया था, बिल्कुल इसी तरह हम इसके अंदर एडिशन वाला काम करेंगे। इसको बंद करते हैं, इसको हम अगेन बैक टू 2 सेकंड्स कर देते हैं, सॉरी, और इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, इसको रिकम्बाइन कर लेते हैं वंस अगेन। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने एक एक्टर की लोकेशन को गेट किया, यानी कि फेच किया, मालूम की अपनी एक्टर की लोकेशन को। अब मैं अपनी एक्टर की लोकेशन को सेट करना चाहता हूँ। ये क्या है गेट? ये देखो, दो चीज़ें हैं, एक होता है गेट एक्टर लोकेशन, ठीक है, ये गेट एक्टर लोकेशन, ये तो हमारा ये है। दूसरा होता है सेट, यानी कि अगर मैंने अपनी एक्टर की लोकेशन को सेट करना हो, यानी कि चेंज करना हो, सेट एक्टर लोकेशन, सेट एक्टर लोकेशन, ये इस तरह से आ गया हमारे पास। अब ये कह रहा है न्यू लोकेशन, ये जो लोकेशन करंट लोकेशन है, इसके अंदर हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे, जितना हम उसको आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हैं, और फिर हम उस वैल्यू को यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये टारगेट पूछ रहा है किस किस एक्टर की लोकेशन को आप चेंज करना चाहते हो, यानी कि सेट करना चाहते हो। तो हम तो इसी एक्टर की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं जिसके अंदर हम हैं इस टाइम, और वो हम सेल्फी हैं, ठीक है। तो अगेन वी को हमने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे अटैच किया, इसके अंदर हम किसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, हम इसको ऐड करते हैं सबसे पहले, ऐड वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर, हम इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू, यानी कि एक्स और जेड की वैल्यू सेम रहेगी, हम इसकी वाई पे अपने करेक्टर को वाई एक्सिस पे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, हम 10 वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमने अटैच कर दिया इसके साथ। अब क्या होगा, हमारे एक एक्टर की करंट लोकेशन को यहाँ से लेंगे जब हम वी प्रेस करेंगे, और जो भी लोकेशन होगी उसके अंदर जस्ट वाई ऐड होगा, इन एक्चुअल तो एक्स वाई जी ऐड हो रही हैं, बट एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, जस्ट सॉरी एक्स की भी 0, जेड की भी 0, जस्ट वाई ऐड अप होगा। और इस वजह से जब यहाँ पे न्यू लोकेशन सेट होगी तो एक्स की वैल्यू वही रहेगी, जेड की वैल्यू भी वही रहेगी, जस्ट वाई की वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वजह से हमें हमारा करेक्टर वाई एक्सिस के ऊपर मूव होता नज़र आएगा। लेट्स सी, ये हमारा करेक्टर है, मैं वी दबाता हूँ, ये देखो मूव हो रहा है, जस्ट वी को मैं बार 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 प्लस कर रहा हूँ, जो भी उसकी लोकेशन होती है करंट लोकेशन को लेता है, उसके अंदर वाई को ऐड करता है, और सेट एक्टर लोकेशन की नोड के थ्रू इसकी लोकेशन को सेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहते हैं तो -10 कर देते हैं, ये देखो ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करें, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ये देखो वो ये आगे एक्स एक्सिस की तरफ आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्स वैल्यू, अब हम इस तरह ही करते हैं कि हम प्रिंट स्ट्रिंग भी कर लेते हैं। अब जो भी वैल्यू, अब हम जो वैल्यू हमारी चेंज हो रही है ना, करेक्टर आगे 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 मूव कर रहा है,
तो वो क्या वैल्यू है, हम वैल्यू को देखना भी चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ से अटैच कर देंगे इसको, यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब हमें वैल्यू नज़र भी आएगी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हुई। मैं वी प्रेस करता हूँ, वो दिखा ऊपर वैल्यू, वो देखो 10 ऐड होते जा रहे हैं एक्स के अंदर ही। ठीक है, तो दैट्स हाउ। तो ये बेसिक्स थीम वेक्टर के बारे में, ये वेक्टर और वेक्टर के अंदर एडिशन भी कर ली, काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन भी कर ली, जब माइनस लिखा नहीं तो हम सिंपली यहाँ से वेक्टर माइनस वेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके हम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ कर लेते हैं, वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, जिस अभी हमने पूरी इस तरह वैल्यू एंटर की ना पूरी, अब मैं किसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्प्लिट करके वैल्यू सेंटर करूँ, किस तरह से एंटर करूँगा, सिंपल है। यहाँ पे इसको स्प्लिट किया, एक्स की वैल्यू दी, जिसकी वैल्यू देना चाहते हैं ठीक है, नहीं देना चाहते फिर भी कोई मसला नहीं है तो दी। बट अब यहाँ पे अब हमारी एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, वो ये कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जेड की वैल्यू नहीं देते या वाई की नहीं देते, तो वाई की वैल्यू लेट्स सपोज मैं नहीं देता तो क्या होगा, गेट एक्टर लोकेशन लेगा मेरी वर्ल्ड में, कोई ना कोई एक्स की वैल्यू भी होगी, वाई की भी होगी और जेड की भी वैल्यू होगी, उसके अंदर एक्स की वैल्यू चेंज हुई और वाई जेड की यही वैल्यू रही। अब मैं यहाँ पे जस्ट एक्स की वैल्यू इनपुट पे दे रहा हूँ और वाई एंड जी की वैल्यू ज़ीरो दे रहा हूँ, जब ये सेट एक्टर लोकेशन करेगा तो ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को तो चेंज करेगा बट एक्स वाई एंड जी मुझे ज़ीरो पे ले जाएगा। ठीक है, तो वो हमें एक किस्म का लगेगा बग है, लेकिन एक्चुअली अनरियल ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हम हमें चाहिए था कि हम ये भी वैल्यू यहाँ पे देते हैं और ये भी वैल्यू दें, लेकिन हमने ये तो दी नहीं। अब हम ये वैल्यू नहीं देते और फिर देखते हैं कि हमारा करेक्टर कहाँ पर जंप करता है। अब ये हमारा वर्ल्ड है, दोबारा से कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये हमारा वर्ल्ड है, ये हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है, वाई की भी ज़ीरो है, जेड की भी ज़ीरो है। जब मैंने सेट एक्टर लोकेशन की, ये एक्स एक्सिस पे तो मूव करेगा आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, बट लेफ्ट राइट यानी कि वाई पे, ये देखो यहाँ से इस तरह आगे तो मूव करेगा लेकिन इस तरह वो ज़ीरो पे चला जाएगा। ज़ीरो कहाँ पे है, यहाँ पे, और जेड ज़ीरो किधर है, यहाँ पे। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ थोड़ा सा, तो वह यहाँ पे करके चला जाएगा हमारा करेक्टर, लेकिन यहाँ पे रह के आगे आगे मूव होता रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो बहरहाल उसके अंदर ऐड हो ही रही है। ये देखो, देखा वो वहाँ पे चला गया बिल्कुल एंड पे। एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस में आगे मूव हुआ लेकिन ये वाई की वैल्यू ज़ीरो चली गई और जेड की भी ज़ीरो होगी, दैट्स वाई ये यहाँ से बाहर निकल गया। दोबारा करके देखते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट कि आपने ये नोट करना है कि जब हम एक्टर की लोकेशन को ऐड कर रहे हैं तो हमने देखना कि हमें वाकई में तीनों वैल्यूज़ की ज़रूरत है या नहीं है, और यहाँ पे तो हमें ज़रूरत है। अगर हम तीनों को अटैच कर देंगे तो सिंपल, वो अगेन इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो खैर, ये हमारी बेसिक्स थी वेक्टर्स के बारे में और एक्टर लोकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट डाटा टाइप है रोटेटर, रोटेटर को देखेंगे कि रोटेटर क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।